ये देख, यही है क्या? पूरा डकवीज आ रहा है, लेकिन ऑरेंज कलर का कैसा था वो दिखने में? ओ माय गॉड, यहाँ पे बार्ब रखा है क्या तूने? पापा की परिया, सच में उसने हंस दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम संदीप मंडल और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग एसएमएन फिशिंग। गाइस, आज निकल चुके हैं नए रिवर की खोज में और एक घंटे से हम ढूंढ रहे हैं और हम सब रॉन्ग टर्न इधर उधर कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन रिवर आसपास ही है। अभी गूगल मैप सर्च करेंगे और रिवर तक पहुँचेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आज कुछ धमाकेदार करने वाले हैं। तो गाइस, फाइनली आ चुके हैं, काफ़ी ढूंढा लेकिन हम लोग अपने उस लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे एक ही बार हमने बास पकड़ा था। और आज थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, होपफुली और मछलियाँ मिले यहाँ पे। और ये आप लोकेशन देख ही पा रहे हो, तो चलते हैं नीचे। तो नीचे चलते हैं। आगे पहले तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इसका हम पार्क कर दिया फिलहाल, चलते हैं। आज मैं काफ़ी सारा डकवीड यहाँ से लेके जाऊँगा, क्योंकि ये वाला जो डकवीड है ये राउंड वाला डकवीड है, मतलब राउंड लीफ वाला, तो ये मेरे पास है नहीं, इसको लेके जाना है। गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आज तो ऐसा लग रहा है कि प्लांट्स बहुत बढ़िया, मतलब कल एक्चुअली बारिश हुई थी तो इसकी वजह से थोड़ा सा पानी बढ़ गया यहाँ पे। मैं अभी नीचे आपको दिखाता हूँ। डकवीड बहुत सारा लेकर जाऊँगा क्योंकि मेरे जो टैंक सेटअप्स बन रहे हैं उसमें डकवीड हम डालने वाले हैं। और इसने श्रिम्प्स पकाना शुरू कर दिया, वो वाला, हाँ व्हाइट वाला श्रिम्प्स पकाना शुरू कर दिया, तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ सारे। नाउ गाइस, ये डकवीड मैं आपको पहले सामने से दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये वाला जो डकवीड है काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो ये मुझे यहाँ से लेके जाना है। तो ये लास्ट में लेकर जाएंगे, थोड़ा सा लेकर जाएंगे, काफ़ी हो जाएगा। उस दिन जब हम आए थे तो डकवीड इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, आज तो बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पे। कैसे वाला है? ओ, ये वाला कलर मस्त है, डाल दे। ए बाप रे, मैं थोड़ा आगे आया और यहाँ देखिए, सही में मैंने ना नेट में देखा था, मतलब फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन में, कि डकवीड आप ख़रीद सकते हो शॉप से, मतलब कि उनके वेबसाइट से ख़रीद सकते हो। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भरपूर डकवीड है। एंड मैं आगे जाऊँगा आज देखने के लिए कि आगे क्या है। तब तक वो पकड़ रहा है, श्रिम्प्स पकड़ रहा है। मैं उसको बोला कि तू श्रिम्प्स पकड़ पहले आज, क्योंकि हमारा जो प्लांटेड टैंक सेटअप है ना, जिसपे हम लोगों ने बार्ब्स रखा है, उसमें हम ये श्रिम्प्स डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा देखकर। एंड इस रिवर की खासियत ये है कि पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है, आप देख ही पा रहे हो। आप यहाँ पे उतरो, नहाओ, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। एक्चुअली मुझे थोड़ा सैंड भी चाहिए, पर देखता हूँ मेरे पास प्लेस है कि नहीं लेने के लिए। और स्टोन्स, यहाँ पे स्टोन्स कम है बट पूरा सैंड है, मतलब बहुत अच्छा वाला क्वालिटी का सैंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख पा रहे हो आप। गाइस, जैसे चल चल के आ रहा हूँ ना, काफ़ी सारे बर्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और पीछे तो आप माउंटेन देख ही रहे हो। किसी का बकरी भी है यहाँ पे, जो यहाँ पे रखे गए हैं, घास चढ़ रहे हैं। ओ माई गॉड, ये ड्रिफ्टवुड क्या बढ़िया है यार, दिख रहा है आपको? देखो, ऐसे जगह पे ही होता है ड्रिफ्टवुड एक्चुअली। और ये एकदम प्रॉपर वाला ड्रिफ्टवुड है, इसको लेकर आप अगर यूज़ भी करोगे ना, कुछ हार्म नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पानी में काफ़ी दिनों से है, काफ़ी आई थिंक सालों से भी हो सकता है, तो प्रॉपरली ड्रिफ्टवुड बन चुका है। वाइट बर्ड्स देखो, गए उड़कर, मुझे देखते ही भाग गए। रिवर के इस साइड में ये जो आप साइड देख रहे हो, ये पूरा जंगल है यहाँ पे, ठीक है। और मैं जस्ट आज थोड़ा और दूर आकर आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। अरे आगे क्या है? माय गॉड यार, लोकेशन तो क्या है, तो एक्सप्लोर करना इज़ लाइक वाव। मतलब विदाउट एक्सप्लोरिंग ना मुझे शांति नहीं मिलता, सही में मैं घर पे रह ही नहीं सकता, मुझे निकलना है, एक्सप्लोर करना है। गाइस, कुछ ऐसे जगह पे आ चुका हूँ मैं, और ये देखो, ऐसा लग रहा है इंसान ने बनाया हुआ है ना ऐसा कुछ वाटरफॉल जैसा कुछ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह है, लेकिन इतना प्यारा लग रहा है, पूरा नेचुरल है, मज़ा आ गया। अरे मैं चलते चलते कुछ ऐसे लोकेशन पे आ चुका हूँ, देख पा रहे हो, मैं वहाँ से आया हूँ और ये भी आ रहा है अभी साथ में। बेवकूफ़ को देखो, अकेला सब कुछ छोड़ के आ गया वहाँ पे, चाबी की वगैरह मेरा सब है वहाँ पे, सही में बहुत बेवकूफ़ है। गाइस, मुझे वहाँ तक जाना था, लेकिन ये बेवकूफ़ आ गया यहाँ पे, सब कुछ वहाँ पे रख के। भले यहाँ पे कोई है नहीं, बट स्टिल इतना रिस्क कौन लेगा। चल गाइस, इसका भी एक चैनल है जो ये काफ़ी वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ, तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या नाम है तेरे चैनल का? फिशिंग विद सुब्रोजित। फिशिंग विद सुब्रोजित, ठीक है गाइस, मैं उसका लिंक दे दूंगा। उसने शॉर्ट्स, आज भी वो शॉर्ट डालने वाला है यहाँ से लेकर, तो देख लेना, सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, यहाँ से मैं कुछ डकवीड्स उठा लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या कहाँ पे ऑरेंज, हाँ। बार्ब नहीं, बार्ब नहीं, अलग मछली था, टैटपुल टाइप का कुछ। कहाँ पे देखा? इसके अंदर घुसा। रुको गाइस मैं 1 मिनट रुको, हाँ देखता हूँ। यो सच में रुक, मैंने भी देखा रे। कहाँ गया तू? कैसे पकड़ने से चला ही जाएगा। सच में एकदम अलग तरीके का फिश लगा रहे हैं वो मुझे। रुक मैं कहाँ भाग गया तू? पता नहीं, इतना सा जंगल है यहाँ पे, पूरा डकवेज आ रहा है। लेकिन ऑरेंज कलर का कैसा था वो दिखने में? टैटपोल टाइप का था थोड़ा, मतलब टैटपोल टाइप का फिश। तो गाइस सही में मैंने भी एक ऑरेंज कलर का ऐसा फिश देखा, पर वो टैटपोल तो ऑब्वियसली नहीं है, वो बार्ब का ही कोई स्पीशीज लग रहा था मुझे। और एकदम से वीडियो करने के चक्कर में वो पता नहीं है ना। हाँ अभी रुक 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 1 मिनट, हाँ स्लोली आना। देख मैंने देखा वहाँ पे है, मैं भी तो देखा। तो इधर रखना। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अरे यार कहाँ चला गया यार? यही पे तो था, कहाँ भाग गया? वो देख रुक 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 1 मिनट। क्या है यार सही में, आपको पकड़ना ही नहीं आता। ये देख ये देख यही है क्या? हाँ। ओ भाई वाह भाई, क्या है? सिंगल स्पॉटेड बार्ब है ये तो। बाप रे, मुझे काटा वाटा तो नहीं देगा क्या? अजीब सा लग रहा है ये। काटा क्यों देगा ये? रुक ऊपर उठाओ पहले। बाप रे क्या सिंगल स्पॉट इसमें, देख बार्बी है लेकिन सिंगल स्पॉट ऑरेंज। बार्बी बार्ब। अच्छा बढ़िया। गाइस तुरंत मैंने पिक्चर लिया उसका और गूगल में मैंने उसको पेस्ट किया, तो मुझे क्या मिला पता है? गौरमी। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली 2 टाइप्स के जो रिवर गौरमीज है, ये ऑरेंज रिवर गौरमी। मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी रहेगा, आई थिंक हमें सर्च करना चाहिए। और ग्रास के नीचे है, और उसने देखा। पहले तो मुझे लगा कि इसने क्या देखा रहेगा, कि हमेशा ऐसा करता है कि मैंने बड़ा मछली देखा, ये देखा। पर इस बार मैंने इसकी बात पर विश्वास किया और सही में ये गौरमी लग रहा है मुझे। पता नहीं, घर जाने के बाद पता चलेगा। इमेज डालने के बाद गूगल में तो यही आया कि गौरमी है, रिवर फिश गौरमी है। और गौरमी के इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन है, अच्छे कलर्स है रिवर में। वाह बे, अबे चल उधर पकड़ते। और राज रिवर को हुआ क्या? ये देख, ये वाला डबल फिन वाले बाप से तू देख सामने से, यहाँ पे आ इधर। एंड यहाँ पे वो बरीला भी है, मैंने अभी देखा है। ये भाग रहा है तो मैं नहीं पकड़ पाएगा, वो बहुत फास्ट मूविंग है। तू पहले ये गौरमीज देख, आई थिंक ये गौरमीज है, क्या है पता नहीं। सिंगल जो हमने पकड़ा है ऑरेंज कलर का, यहाँ पे है क्या? देख गौरमी, पता नहीं जो भी हमने पकड़ा है। ये देखिए, देख बरीला, देख कितने लंबे यहाँ पे जा रहे हैं। ये ट्राई कर, यहाँ पे क्या हुआ? पकड़ा? पता नहीं, शायद। कौन सा ऑरेंज वाला? नहीं शायद पकड़ा। क्या बार्ब? दिखा बड़ा छोटा है, उतना भी छोटा नहीं। दिखा सामने ला। ये रहा। सही है, साइज तो उतना खराब नहीं है। लेकर आ। गाइस मैं अपना नेट निकालता हूँ, अभी टाइम आ चुका है, क्योंकि मुझे सही में लग रहा है यहाँ पे काफ़ी अच्छे वैरायटी ऑफ फिश आ चुके हैं। इसको यहाँ पे लगाता हूँ, क्योंकि यहीं पे जो है हम लोगों ने गौरमी टाइप के फिश देखे, ऑरेंज वाले। एंड हमें बरीला दिखा है, एंड डबल स्पॉटेड बार्ब्स आज दिख रहे हैं, उस दिन तो दिख नहीं रहे थे। क्या यार आज तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इस हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ पे काफ़ी सारे हम लोग को बार्ब्स दिखने को मिल गए हैं, बरीला में दिखने को मिल गया है, इसको एक और ऑरेंज देखने को मिल गया। दिखा तुझे कितना बड़ा है? पक्का? तो वहाँ से पूरा भगा के लाना, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेट बिछाया हुआ है। और मैं इधर से जो है क्लोज करता हूँ गैप, तो वहाँ से स्लोली आना। काफ़ी सारे बार्ब्स बरीला यहाँ पे दिख रहे हैं, और वहाँ पे अगर ऑरेंज वाला फिश है उसको भगाना, स्लोली आना। हाँ बिल्कुल गंदा मत करना पानी। गाइस दिखा दो इसके बाद पे कुछ मैंने देखा। बाप रे बाप, तो बड़ा क्रैप का। क्या है ये हाथ? गाइस कुछ तो मिले हैं, मैं वो वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, मतलब कि वो नेट मैंने उठा लिया था। तो ये देखिए मैं इनको डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे है 4-5 बाप्स तो मिले हैं, आई थिंक ज़्यादा ही है। अंदर डाल दिया मैंने। अरे इधर देख एक और मैंने देखा, वही वाला ऑरेंज वाला। अबे कुछ लेकर आ, ये वही है आई थिंक, पूरा इसके नीचे छुपी हुई है। ओह नो यार, रुक। अरे इधर ही खा गया, मैं भी देखा। इसको उठा, स्लोली उठा। ये पकड़ लिया मैंने। अरे रुक रुक रुक, इसको रख के रख के मैं यहाँ पे और देखता हूँ, जा रख के इसको रख के, जल्दी रख के। और भी होना चाहिए भाई ये सब जगहों पे। माय गॉड यार, अरे अरे एक और एक, रुक 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 तू उसको रख के जल्दी रख के, कैसे लेके जा रहा है। आई थिंक इसके नीचे नीचे काफ़ी सारे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे। कहाँ रख रहा है? पहला वाला जो मिला उसके उसके अंदर रख। गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ, आजा आजा उधर पे और है। बरेला तो पकड़ ही नहीं सकता, बहुत फास्ट है, मैंने बहुत कोशिश किया है। उधर चलते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा था, अरे वो एक और मैंने देखा है, मैंने यहीं पे देखा था यार, बहुत ज़्यादा। पता नहीं अभी कहाँ है, हम लोगों ने वहाँ भी देखा है। अरे वो क्या है? अरे यहीं से कहीं गया वो, एकदम से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, अभी देखा था मैंने। अरे नहीं यार, वही फिश थी मैंने जो अभी देखा। मुझे 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 वो दिख गई, वो दिख गई, एक मिनट। मुझे नहीं दिख रहा, चुप रहे। अरे यार ये ले, ये बकवास, इसको पकड़, छोटा वाला दे मुझे। कहाँ गई? अरे अरे ये पानी, रुकना रुक रुक। क्या फास्ट मूविंग है यार ये फिश। एक और दिखा था यार, नहीं मिला, काफी अच्छा साइज था वो। इतना दुखी होना गाइस, वो साइज काफी, मतलब मैंने पूरा एम लगाया था। यहाँ पे है लेकिन टाइम भी हो रहा है। हम लोगों ने 4 देखे और उसमें से सिर्फ 2 पकड़ पाए। एक तो बहुत बड़ा जो मैं अभी पकड़ने वाला था, लेकिन सैड यार, बहुत बुरा लग रहा है। इतना बड़ा एक हमको दिखा था यहाँ पे, ऑरेंज वाली बार या जो भी है, मुझे ऐसा लगा एक और देखा मैंने, लेकिन पता नहीं यार। सही में वो बड़ी वाली मिल जाती ना, मज़ा आ जाता। अच्छा वो आई थिंक गौरमी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने इमेज सर्च किया तो वो मुझे गौरमी जैसी ही लगी, तो फिर गाइस वही। गाइस सब थक चुके हैं अभी, इवन ये भी थक गया है, बोल रहा है कि चलते हैं। अरे ओश, देखा था मैंने अभी देखा था। अरे एक मिनट, शांत कर पहले पानी को, क्योंकि वो भी गायब हो जाएगा नहीं तो पहले जैसा। आई थिंक इसमें होगा, स्लोली उसको उठाना मैं यहाँ पे रेडी हूँ, अगर होगा तो। अभी तो देखा यार, चिपक तो नहीं गया। कोई गल हो गया भाई, अभी तो यहाँ पे देखा था हम लोगों ने। अरे इतना अंदर भी नहीं होगा वो। क्या पकड़ा तेरा? श्रिम्प है क्या? ओ ये वो वाली फिश मिल गई तेरे को रे। कौन सा? ये आई थिंक ऐसे में इसमें बैडिश कुछ बोलते हैं। ओह सही बात है, ले 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 इसको, ले ले, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा मिला तेरे को यहाँ पे। पर यार वेरी सैड भी, कहाँ चली गई? आज ट्राई करके देख लेता हूँ, मिली तो, वरना हम जा रहे हैं क्योंकि पूरा थक चुके हैं। हाँ रख दे वहीं पे, एनर्जी नहीं अब। वाटर हाइसिंथ ही उठा के फेंक दिया यहाँ पे हमने, उखाड़ के, मतलब यहाँ पे तो और फिश है ही नहीं। आई थिंक वो ही 3 थे या 4, पता नहीं, हम लोगों ने 2 मिस कर दिया। एक्चुअली बहुत, ये बाप से भी ज़्यादा फास्ट है। सॉरी, मतलब सच में तेरे को अभी पार्टी मिलेगा। ये है, दिखा मेरे को विश्वास। ये क्या बोल रहे थे कि हाँ। मतलब मैंने सब जगह ढूंढ लिया है। मैंने पूरा बिखार दिया ये पूरे जगह को देख। मतलब सच में मेरे पास कोई सवाल मतलब कुछ नहीं है बोलने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। चल इसको लेके चल, अब तेरे को पार्टी मिलेगा। चल ये तूने पकड़ा, कान बिलीव। गाइस इतना हंसी आ रहा है क्योंकि इसने पकड़ा और वो भी एनीवेज खुशी से। अरे नीचे रख, नीचे रख। ये सब जगह ढूंढना चाहिए। सिंगल स्पॉटेड पता नहीं है क्या। मैंने तो इसको गौरव में जैसा सर्च किया है, थक गए हैं। अभी इसको डाल दें यहाँ पे, अभी सारे फिश आपको दिखाता हूँ। हाँ सॉरी गाइस, आज पूरा हौश हो गया एकदम। मतलब पकड़ते पकड़ते ऐसे फिश हमने देखा ना, मतलब एक तो उसको मस्त बैडिस वाला फिश भी मिला है जो ब्लैक कलर का है, वो बहुत। आज तूने मस्त कितने पकड़े फिश? 2-3 नहीं, शायद से 7-8 काफी सारे मिला के। इसके शॉर्ट्स में देख लेना आप लोग। तो इसको उठा देना प्लीज, मेरे पास दम नहीं आ रहा है इसमें। अब नहीं पकड़ेंगे, चलते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं कुछ। इसको निकाल देते हैं बढ़िया से, जाते हैं अभी। मुझे फिश तो पहले सबसे पहले देखना, ऑरेंज वाले फिश यार, बहुत एक्साइटेड हूँ। मज़ा आ गया, कुछ आया क्या? अरे यार आज पता नहीं मेरे से सब मिस हो रहा है। इस पहला यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बैडिस वाला कहाँ रखा है इसके अंदर? हाँ। बाप रे, मेरे को आज पता नहीं क्या हो रहा है, डर क्यों रहा हूँ मैं। इसमें क्या फिश है वैसे? अरे इतने सारे डकविट है कि दिख नहीं रहे। श्रिम्स है और बैडिस वाला भी, हाँ ब्लैक दिख रहा है मुझे। वो श्रिम्स तो अच्छे खासे पकड़ लिया तूने। ठीक है, इनको मैं घर पे जाके दिखाता हूँ। और श्रिम्स पकड़ना चाहिए था पर अब छोड़, 3 बार में इतना सारा पकड़ लिया। ओके ठीक है, तो ये है। दूसरा वाला कहाँ है? ओ माय गॉड, यहाँ पे बार्ब रखा है क्या तूने? क्या रखा है इसमें? यही 3 है ना? हाँ। अरे मेरे को डर लग रहा है रे, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, बहुत एक्टिव है जो। मैं उठा के दिखाता हूँ, रुको। देख इसमें स्पॉट है ये। हाँ, पक्का हाँ। इनका ग्रुप का है एक्चुअली। तो पता नहीं इसके इमेज जब डाला ना तो गौरमी करके आया, तो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल स्पॉटेड बाप भर के है। एक्चुअली एक बड़ा वाला मैंने देखा था, वो भी बाप रे बहुत एक्टिव है। घर पे जाके इनको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे इतने वैरायटी ऑफ फिश है, वो आप देख रहे हो। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि यहाँ से बहुत लोग जा रहे थे, काफ़ी सारे फिश पकड़े। उनको तो बहुत सारा मिला होगा ये सब फिश, क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं। एनीवेज तो बढ़िया लगा। तो गाइस ये सारी चीज़ें लेकर अभी जा रहे हैं, फिश एंड अगेन बहुत सारा सैंड। देखो जब हम किसी को लेकर आते हैं साथ में कितना हेल्प हो जाता है। ये इतना भारी उठा के लेके जा रहा है, आई कांट बिलीव। एनीवेज गाइस, आज का ये जो वीडियो का ये जो सफ़र था आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें वो ऑरेंज कलर के जो है कुछ अलग फिश मिला है। तो जो हम लोगों ने सर्च करने के बाद हमें गौरव में पता चल रहा है, पर अभी मैं घर पे जाके और देखने वाला हूँ कि वो क्या है। और इसको बैडिस भी मिला है जो बहुत ब्यूटीफुल फिश है। तो वो मेरे पास अभी 3 हो चुका टोटल। एंड श्रिम्स वगैरह तो कॉमन है जो मिलता रहता है। अभी बहुत भूख लग गई है, चलते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और घर पे जाकर देखता हूँ कि अगर वीडियो बना पाया तो, नहीं तो फिर इनका मैं शॉर्ट्स देने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, देखता हूँ। हाँ अभी जाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ। तो गाइस बहुत लोग का ये भी सवाल रहता है कि आप फिश को लेके जाते हो। देखो मैंने क्या किया है, तो हमेशा तो ऐसे लेके जाता हूँ क्योंकि अगर आपने ये जालीदार नहीं दिया तो कूद जाएंगे। और आज तो मैंने यहाँ पे सैंड लिया है, तो सैंड के बेस पे इनको अटका कर यहाँ से थोड़ा इस तरीके से, क्योंकि हम जब इस पे जाते हैं अभी जाने के जो भी है, तो जब हम जाते हैं तो एक्चुअली ये मतलब बाइक में ना बहुत ज़्यादा जर्किंग वगैरह होता है, जिससे कि पानी वगैरह पूरा निकलना शुरू हो जाता है, फिश भी कूद सकते हैं। और अभी मुझे जाना पड़ेगा बहुत ही स्लो स्पीड में, लाइक 40 या 30। आने के वक्त तो हम लोग 80-90 में आते हैं। तो एनीवेज ये हो गया, ऐसे लेकर जाएंगे तो इससे बिल्कुल नहीं हिलेगा। और यहाँ पे सैंड का बेस है, तो ऐसे हम घर पे लेके जाएंगे। और जब तक ये हिलता रहता है ना तब तक ऑक्सीजन मिलता रहता है, प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऐसे ही लेके जाते फिलहाल। और भी बहुत सारे उपाय हैं, वो हम बातें बताएंगे। बाय। तो गाइस जा रहे हैं घर, एकदम खाली रास्ता है और असम में ऐसा ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल शांत, यहाँ पे देखो साइकिल लेके जा रहे हैं भैया। गाइस आगे 2 पापा की परिया आ रही है पूरे ग्रीन एंड पिंक में, देखते हैं ये क्या करते हैं रिएक्शन। पापा की परिया सच में उसने हंस दिया, उन्होंने सही में हंसा, मतलब सही है। गाइस सीरियसली नहीं लेना, हम तो मजाक करते हैं और वो भी हंसे, कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा लगा। मैंने पापा की परिया का बताया कि नहीं, तो ऑब्वियसली पापा की परिया होती है। और यस, रिस्पेक्ट सबको देना।